बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमने कोर कमेटी की दूसरी मीटिंग की थी जिसमें मिनिस्टर साहबान भी शामिल हैं साथ और बाकी सारे ऑफिसर्स भी थे जो कोर कमेटी के मेंबर्स थे। हमने आज जायज़ा लिया है कि हमारे पास क्वेटा में क्या सूरत हाल है। तो हमारे पास 100 से ऊपर पॉजिटिव पेशेंट्स हो चुके हुए हैं और ये वो हैं जो ज़ायरीन ईरान से आए हैं। जो नेगेटिव थे उनको हमने घर भिजवा दिया, उनको हमने जो जो एहतियाती तदाबीर हैं उसका एक पैम्फलेट सभी हमने साथ दिया है ताकि वो जाके लोग अभी लोगों के साथ घुले मिले ना। तो जितने ज़ायरीन आए हैं बाहर से और नेगेटिव डिक्लेयर हुए हैं उनके लिए हमारी ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट है उनसे कि वो अपने घरों में जाके एक कमरे में आइसोलेट हो के ही रहें मज़ीद 14-15-20 दिन और वो अपनी फैमिली के साथ ना घुले मिलें, क्योंकि बाज़ औक़ात इसके जो सिम्टम्स हैं या इसका जो रिज़ल्ट है वो कभी कभी एक महीने बाद भी आता है। तो इसलिए ये एहतियाती तदाबीर है जो सारे लोग ज़रूर करें। अब हम सारे ये कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराई में कि हम कम से कम 2000 पेशेंट्स को जेन में रख के उनके लिए एमरजेंसी बेसिस पे हम इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, मेडिसिन खरीद रहे हैं और उनके लिए एक एक कमरे का सेट बना रहे हैं, बेडरूम प्लस वॉशरूम्स। तो ये हमने चीफ मिनिस्टर साहब की हदायत पे और कोर कमेटी में मिनिस्टर साहबान मेरे साथ हैं, इन सब की ये एक फैसला था कि यहाँ पे एक ज़मीन ले के कुछ 40-50 एकड़ वहाँ पे हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक छोटा सा विलेज बना लें जिसमें हेल्थ फैसिलिटी भी हो। तो वो वैसे तो हमारे पास इस वक्त 450 पेशेंट्स को हैंडल करने की कैपेसिटी है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, हम इक्विपमेंट मज़ीद भी ख़रीद रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल 2000 की हम कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं एक जगह के ऊपर जिसमें बेडरूम प्लस वॉशरूम की फैसिलिटी होगी और मेडिकल की पूरी सहूलत वहाँ पे मौजूद होगी। इसके अलावा NDMA की तरफ से इस्लामाबाद से हमें 600 कंटेनर प्लस बेडरूम प्लस वॉशरूम मिले हैं जो ताफ्तान में रखेंगे और कुछ चमन में 300 के करीब। तो सहूलियात की तरफ से गवर्नमेंट बड़ी पेश है और किसी चीज़ की भी कोई कमी इंशाल्लाह नहीं रहेगी। लोगों से रिक्वेस्ट ये है आपके ज़रिए कि लोग ज़्यादा रश वाली जगहों पे ना जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल ना करें और कहीं एक जगह पे जमघटा ना करें। सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है और बल्कि हदायत समझ लें कि सारे अपने घरों में ही रहें जब तक बहुत मजबूरी ना हो एक आध बंदा जाए और वापस आ जाए, वरना सारे के सारे अपने घरों में मुकीम होकर रहें। इस बीमारी से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ज़रिया है और वो ये है आजकल कि आप अपने घर में ही रहें। गवर्नमेंट का मैं आपको ये बताऊं कि चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराई में डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो यहाँ का डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसके हवाले ये काम किया है कि वो राशन के बैग्स भी तैयार करे, खाने पीने की चीज़ों की कमी ना हो, कोई फिलेंथ्रोपिस्ट हमारे पास आ रहे हैं वो भी साथ शामिल होंगे। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि जो मज़दूर तबका लोग हैं जिनके पास ज़राए नहीं हैं तो गवर्नमेंट उनको खाने की शक्ल में फुल सपोर्ट देगी, बल्कि वज़ीर आला साहब ने ये भी कहा है कि उनको कुछ बाज़ डिज़र्विंग लोगों को पैसे भी दिए जाएंगे ताकि वो अपना अगर रोज़गार नहीं कमा सकते तो एटलीस्ट गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे। तो ये बड़ी अच्छे इकदाम हैं जो गवर्नमेंट कर रही है। मैं एक दो बार फिर आपको ये कहूँगा कि अपने घरों में रहें, घरों में रहने से ये बीमारी फैलेगी नहीं बल्कि सारे बचत में रहेंगे। सर, महकमा हेल्थ की जानिब से 9 स्कूल एंड कॉलेजेस को क्वारंटाइन सेंटर्स और आइसोलेशन वार्ड का दर्जा देने की तजवीज़ दी गई है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, अभी स्कूल कॉलेजेस में हम क्वारंटाइन फैसिलिटी नहीं पैदा कर रहे, अभी हॉस्पिटल्स में है या एक RDA की बिल्डिंग है उसमें है या PCSR की बिल्डिंग में है और कुछ ताफ्तान में है। बाकी हम अपनी क्वारंटाइन फैसिलिटी इंशाल्लाह 2.5 महीने के अंदर अंदर तैयार कर लेंगे। तो अभी स्कूल कॉलेजेस का मामला नहीं है क्योंकि इसके साथ हमें वॉशरूम फैसिलिटी भी चाहिए होगी। अच्छा सर, एग्जिट तादाद क्या है? जैसे आप कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा, क्या मतलब कि अभी तक जो एग्जिट तादाद सामने नहीं आए कि कितने मियांगुंडी में, कितने तफ्तान में, कितना का ताल्लुक क्वेटा से, मजमू तादाद इस वक्त एक्यूरेट क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही है कि 200, कोई कह रहा है 150, कोई कह रहा है। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ कि जितने हमने टेस्ट पॉजिटिव आए हैं वो 104 हैं, ठीक है, और अभी हमारे पास ताफ्तान में कुछ लोग हैं उनके भी सारे टेस्ट वैसे हो गए तो अल्लाह का शुक्र है कि वो नेगेटिव है, लेकिन ये फिगर बढ़ भी सकता है। इस फिगर को रोकने के लिए सिर्फ
ایک ہی کام ہو سکتا ہے وہ یہ کہ گھلے ملے نہ اپنے گھروں میں رہیں تو پھر کنٹرول ہوگا جیسے چائنا نے کنٹرول کیا ہے وہ سارے کے سارے لوگ اپنے گھر میں بیٹھ گئے تھے تو اب وہاں پہ گراف بالکل لیول پہ آ گیا اب کوئی مزید کیسز نہیں آ رہے تو ہمارے پاس بچنے کا صرف یہ ایک ذریعہ 104 سارے کوئٹہ کے ہی ہیں اور کہیں کے نہیں ہیں اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بلوچستان میں کسی اور شہر میں نہیں ہے کسی اور ضلع میں نہیں ہے صرف کوئٹہ میں ہے کیونکہ یہ بیماری میل ملاقات سے لگتی ہے اس لیے میں آپ کو بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں گھروں میں رہیں نہیں لاک ڈاؤن ایسا سچ نہیں کیا پبلک ٹرانسپورٹ پہ پابندی جب لگائی تھی پرسو ہم نے تو تھوڑا سا ظاہر ہے وہ بریدنگ سپیس دینی ہوتی ہے آج سے پابندی شروع ہو جائے گی پبلک ٹرانسپورٹ پہ پابندی ہے انٹر ڈسٹرکٹ جانے پہ پابندی ہے انٹر پروونشل بسوں پہ جانے پہ پابندی ہے کیونکہ ایک بس میں اگر ایک مریض بھی آ گیا تو ہو سکتا ہے جب بس سے اترے تو 20-30 بن چکے ہوں تو اس لیے لوگ سارے اس میں کوآپریٹ کریں جو بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں وہ آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ وہ بند کر دیے تاکہ جتنی کنجسٹڈ ہوتے ہیں لوگ اسی میں بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے سر ایک چیز بتائیے گا کہ اس وقت پیچھے تفتان میں کتنے لوگ رہ گئے ہیں جن کی ایکسپیکٹیشن ہے آنے کی اور گورنمنٹ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے یہ کیسز کا ہائیک کہاں تک جا سکتا ہے بلوچستان میں کیا فگر ہو سکتا ہے آپ نے اینٹیسپیٹ کتنا کیا اس وقت تفتان میں ہمارے پاس 500 سے اوپر لوگ ہیں اور ایران سے ابھی مزید تھوڑے تھوڑے آتے رہتے ہیں ڈیلی بیسس پہ اس لیے کچھ صحیح معنوں میں اسپیکولیشن نہیں کی جا سکتی لیکن کچھ لگتا ہے کہ 1-2 ہزار اور آئیں گے اب ہماری ایک کوشش ہوگی کہ ہم ان کو تفتان میں ہی رکھیں جب بالکل مطمئن ہو جائیں کہ یہ نیگیٹو کیسز ہیں تو پھر ہم آگے بھجوائیں گے چمن بارڈر کی کھولنا یا بند کرنا یہ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی ہے تو اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ہماری یہ شروع سے ہی خواہش تھی کہ بارڈرز بند رہیں بٹ یہ اب فیڈرل لیول کی پالیسی ہے اس کے بارے میں آئی ایم کوائٹ